जिस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर अमरनाथ अटैक के बाद अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला हुआ, जो हमारे हिंदुस्तान पर हमला, उसके बाद कुछ लोग उस पर मजहब का रंग चढ़ाना चाह रहे हैं और नफरत फैलाना चाह रहे हैं। हिसार के अंदर एक मौलाना साहब इमाम साहब को ये कहा गया कि आप भारत माता की जय का नारा लगाइए, उन्होंने मना किया तो उनको मारा गया, उनको गद्दार कहा गया, जबकि वो मजम्मत कर रहे थे उस अटैक की। दूसरा वाकया, बजरंग दल के लोग हथियार लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग हज यात्रियों पर और सब चीज़ बेहुदा काम करेंगे, हज यात्रियों से बदला लेंगे। एक नाजायज़ औलाद कमलेश तिवारी बोल रहा है कि हम लोग 60 से ज़्यादा हज यात्रियों को मारेंगे और सुरक्षित नहीं रहेंगे वो लोग। इस तरह एक साध्वी देवा है, एक मोहतरमा, वो भी पता नहीं किसके चंगुल में आकर पागल हो गई है, वो भी बोल रही है कि हम लोग बदला लेंगे। अरे किससे बदला लोगे? जाओ चीन और पाकिस्तान से बदला लो, हिम्मत है तुम्हारे अंदर? और मैं मुसलमानों तुमसे अपील कर रहा हूँ कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार रहो। अब ये स्मार्टफोन की ज़िंदगी से निकल जाओ, ठीक है स्मार्टफोन इस्तेमाल करो, लेकिन सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग मुल्क में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर नफरत पैदा करना चाहते हैं और हमें उससे मुकाबला करना है। वी वॉन्ट टू सेव द नेशन, वी वॉन्ट टू सेव द सेकुलरिज्म, प्लूरिज्म एंड डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेशन।